आपके परिवार के बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सिसिर अधिकारी जी कह रहे हैं अगर मेरे बच्चे जाएंगे मैं बिल्कुल बीजेपी ज्वाइन करूंगा। टीएमसी ने हमें विदेह पुश्ड अस आउट। आप अभी भी टीएमसी के साथ हैं, हाउ व्हाई आर यू होल्डिंग बैक एंड व्हाट आर द रीजंस? देखिए, साथ है इसका एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल की बात है। करीबन 4-5 महीना हो गया टीएमसी का कोई भी कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। टीएमसी का जिला का जो प्रमुख है, जिला का जो अध्यक्ष है, वो बोल रहा है कि हमको हर एक प्रोग्राम में बुला रहा है। एक झूठा बात है, नंबर वन। नंबर टू, टेक्निकली आप बोल सकते हैं मैं टीएमसी में हूँ, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारा बड़ा भैया शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है 9 दिसंबर को। वो प्रत्याशी भी बना है नंदीग्राम क्षेत्र से, जहाँ से मैं सांसद हूँ। आई थिंक सो, जो हमारा ममता बनर्जी और लीडर ममता बनर्जी इमोशनली डिसाइड किया है और नंदीग्राम में लड़ेंगे। इट्स प्योरली हर इमोशनल डिसीजन, आई थिंक सो। अभी नंदीग्राम का आदमी लोगों को देखना है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि नंदीग्राम का आदमी लोग सही आदमी को ही चुनेगा, सही आदमी को ही यहां से भेजेगा। और ये भी सही है, आज बहुत सारे जो नंदीग्राम में पीस प्रिवेल कर रहा था 2007 से टिल 2021 जनवरी, उसका बाद आज देखिए नंदीग्राम में बहुत सारे यहाँ वहाँ झमेला हो रहा है। इसका पीछे कौन है, कौन नहीं है? मैं सांसद का नाते भारत की निर्वाचन आयोग को बोलूँगा, ये देखना चाहिए, इसको बंद करवाना चाहिए। नंदीगांव में कम्युनल ट्रम्प कार्ड भी खेला जा रहा है। जैसे अधिकारी जी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक अकेले ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं जिनका अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, और क्या रीजन है टीएमसी को छोड़ने में? अगर इतनी दिक्कतें हैं तो टीएमसी को अब तक छोड़ा नहीं गया है? अभी तक मैं डिसाइड नहीं किया हूँ, मेरा पास नौता आया है बीजेपी के आला कमांड का तरफ से, मुझे नौता भेजा गया है। मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ, लेकिन आगे वाला दिन बोलेगा क्या होगा या नहीं।